जैसा हम सभी जानते हैं यूपी पुलिस क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। फ्रेंड ये जो मुद्दा है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पेपर लीक पहले भी होते हुए आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यदि इस बात को, इस मुद्दे को, इस आंदोलन को, इस क्रांति को और इस युद्ध को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये फ्रेंड सिर्फ आपकी लाइफ का सवाल नहीं है। मैंने कुछ कमेंट्स अपने स्टूडेंट्स के देखे, उसमें लिखा था कि मैम मैं क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाया, अब मैं अपनी फैमिली को फेस कैसे दिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाया और मैं आगे जी नहीं पाऊंगा। फ्रेंड्स आप इन बच्चों की जो लाइंस है ना, आप इसे समझ पा रहे हो कि वो किस मानसिक स्थिति में, किस स्ट्रेस में है, किस डिप्रेशन में है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर महज एक क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये किसी बच्चे की लाइफ है, ये किसी बच्चे की पूरी जिंदगी है। आप समझ रहे हो किस सदमे में जा रहा है वो बच्चा। और ये फ्रेंड अगर हमने इस आंदोलन को अभी आगे नहीं बढ़ाया तो ये आगे आने वाले समय में ना जाने कितने स्टूडेंट्स की लाइफ खराब कर देगा, ना जाने कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनकी लाइफ आगे बर्बाद हो जानी है। तो फ्रेंड ये जो हमारा संघर्ष है वो न्याय की लड़ाई है, ये जो हमारा संघर्ष है वो ईमानदारी की लड़ाई है, ये जो हमारा जो संघर्ष है वो सच्चाई के लिए संघर्ष है। तो फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि आप सभी अगर चाहते हैं कि इस आंदोलन को एक नई दशा और एक नई दिशा मिले तो उसके लिए आपके समर्थन की हमें बहुत जरूरत है। जैसा हम सभी जानते हैं YouTube पे वीडियोस पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, जैसे डेविड सर ने जाके न्यायालय में रिट दायर किया। फ्रेंड्स न्यायालय में रिट दायर कर देना तो ठीक है, लेकिन उस रिट को दायर करने के बाद क्या उसे सीरियसली लिया जाएगा? अगर सीरियसली लिया जाता है तो बेहद शानदार है। और उस रिट को सीरियसली लेने के लिए हमें क्या करना होगा, वो ये होगा कि टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे हम सभी को जुड़ के इस आंदोलन को, इस क्रांति को एक नई दशा देनी होगी, एक नई दिशा देनी होगी, जिसमें आप सभी को डेविड सर को, करियर क्राफ्ट को सपोर्ट करना होगा। फ्रेंड्स अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि जब हमारे यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आती थी, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में हमने देखा था कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो आंदोलन के लिए बाहर निकलते थे और सड़कों में उनको बड़ा प्रॉब्लम फेस करना होता था, तब वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे। लेकिन फ्रेंड अभी सबसे जो शानदार चीज है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप करियर क्राफ्ट जुड़ सकते हैं और हमारी जो मुहिम है, जो हमारा आंदोलन है उसे एक नई दशा दे सकते हैं। और फ्रेंड आज हमारी करियर क्राफ्ट की टीम इसी मुद्दे को लेकर रात के 11 बजे आपके साथ आएगी, आपके विचारों को जानने के लिए और अपने जो विचार है उनको अभिव्यक्त करने के लिए। आई होप आप हमें पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे और करियर क्राफ्ट आपके साथ है। तो फ्रेंड ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस में जाने की जरूरत नहीं है, वी आर ऑलवेज विद यू, राइट? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।